ऑन एंड इसका जो टाइम है वो है 6 बजे। पहले मेरे को लग रहा था कि ये ट्रेन आज मिलने से रही दोपहर वाली इंटरसिटी से जाते हैं, लेकिन थैंकफुली जो कैब वाले भैया थे वो सही टाइम पे हम लोग को स्टेशन पे पहुंचा दिया, तो फिर ये ट्रेन हम लोग को मिल रही है। अभी कुछ ही देर में ये ट्रेन रवाना होगी जयपुर के लिए, हम भी निकल पड़ेंगे। बहुत गंदी वाली नींद आ रही थी यार, उठने का मन नहीं कर रहा था एंड सोच रहे थे कि ये वाला छोड़ देते हैं, दोपहर वाले जो इंटरसिटी एक्सप्रेस है उसमें टिकट बुक कर लेते हैं, उससे चलते हैं। लेकिन लास्टली कुछ तरीके से खुद को मनाया कि नहीं भाई जाना है, ऐसे ट्रेन नहीं मिस कर सकते, नहीं तो फिर जयपुर का जो टाइम है वो तो कम हो जाएगा, वो घट जाएगा और कम टाइम मिलेगा। क्योंकि देखो वैसे ही ऑलरेडी जयपुर में बस कुछ ही घंटे हैं, कल मेरा ट्रेन है जयपुर से हावड़ा तक के लिए, तो फिर ऑलरेडी टाइम कम है और टाइम कम हो जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहती थी। इसलिए कुछ तरीके से मतलब खुद को कैसे भी मैंने बहलाया फुसलाया कि चलो भाई चल लेते हैं। तो आ गए हम लोग उदयपुर स्टेशन पे। अब यहाँ से मैं अपनी जर्नी शुरू करने वाली हूँ जयपुर के लिए, आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं, चलिए मेरे साथ ट्रेन के अंदर चलते हैं। इसी 3 टायर में हम लोगों की टिकट है, चलिए ट्रेन के अंदर चलते हैं। ये हमारी सीट है, ये लोअर बर्थ, ये मिडल बर्थ एंड ये साइड अपर बर्थ, ये तीनों बर्थ हमारी हैं। देख सकते हो कि काफ़ी साफ़ सुथरा है ये एंड सब कुछ ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, वो सब कुछ ऑलरेडी दिया हुआ है, बिस्तर बेडशीट पिलो सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पर, तो मैंने बना भी लिया है। हम लोगों ने काफ़ी साफ़ सुथरा दिख रहा है मेरे को ट्रेन, उससे भी देख सकते हो। हमारी पहली हॉल्ट राणा प्रताप नगर आ गई है एंड अभी टाइम हो रही है 6:09, मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर हमारी फर्स्ट हॉल्ट आ चुकी है। यहाँ से बहुत सारे लोग ट्रेन को बोर्ड कर रहे हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बिलीव मी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। अभी मैं चल रही सोने, नींद से उठने के बाद आप लोगों से मैं आके बात करती हूँ। स्टेशन से लिए थे 2 कप चाय एंड वो ख़त्म हो गया, उसके बाद जाके हमारे ट्रेन छूटा। अभी टाइम देख सकते हो 19 ओवर, फिर इसी स्टेशन पे हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 15 मिनट तक ऐसे ही खड़ी हुई थी, क्योंकि वहाँ से यहाँ पर बस एक ही सिंगल लाइन है, तो वहाँ से दूसरी ट्रेन आ रही थी, इसलिए हमारी ट्रेन यहीं पर वैसे ही 15 मिनट की हॉल्ट ले रही थी।
6:45 होते होते हम लोग मावली जंक्शन तक पहुंच चुके थे। एंड यहाँ पर जो शेड्यूल टाइम है एक्चुअली ट्रेन के पहुंचने की वो था 6:41, तो ज़्यादा तो डिले नहीं था ट्रेन का, बल्कि ट्रेन की स्पीड काफ़ी अच्छा था। ट्रेन थ्रू आउट द जर्नी काफ़ी बढ़िया स्पीड से चल रहा था। तो यहाँ पर कुछ देर के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन 6:50 पे मावली जंक्शन को छोड़ के आगे बढ़ गई थी। हम लोग चित्तौड़गढ़ ऑलमोस्ट 8 बजे तक पहुंच चुके थे, तो ट्रेन उतना ज़्यादा कुछ डिले नहीं था, बस 5 मिनट इधर उधर चल रहा था, बाकी ट्रेन काफ़ी अच्छे स्पीड से आगे बढ़ रहा था। फिर स्टेशन में मुझे एक बच्चा दिख गया, लाइक इट वाज रियली क्यूट, डैम क्यूट, जस्ट लुक एट इट आईज, बहुत प्यारा था ये। चित्तौड़गढ़ में ट्रेन का 15 मिनट का हॉल्ट होता है, तो हम सब बाहर चले गए थे, स्टेशन के बाहर घूमने गए थे, एंड वहाँ से थोड़ा सा ब्रेकफास्ट या फिर चाय लेने का सोच रहे थे, तो इसलिए एकदम स्टेशन से बाहर चले गए, फिर अच्छे वाले चाय के दुकान से चाय लेके आ गए। बाहर जाते जाते फिर चाय लेते लेते हम लोगों को बहुत टाइम हो गया था, एंड इट वॉज ऑलमोस्ट टाइम फॉर द ट्रेन टू डिपार्ट, तो हम लोग जल्दी जल्दी स्टेशन तक पहुंच गए थे। वैसे ट्रेन का यहाँ पर 15 मिनट का हॉल्ट होने का रीज़न ये है कि यहाँ से ट्रेन्स का रिवर्सल होती है, तो इसलिए
यहाँ पर ट्रेन 15 मिनट की हॉल्ट लेती है। बाकी अगर चित्तौड़गढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, जो कि केवल इंडिया की नहीं पूरी एशिया की लार्जेस्ट फोर्ट है। तो अगर यहाँ पर आ रहे हो एंड स्टे कर रहे हो तो ये फोर्ट कवर करना मत भूलना। वैसे मैं तो यहाँ पर रुक नहीं पाई इसलिए आई कुडंट कवर इट, बट ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम गोना विजिट राजस्थान आई एम श्योरली गोना डू इट, क्योंकि मुझे करना है ये चीज़, बहुत खास जगह ये। अभी हम लोग चित्तौड़गढ़ स्टेशन पे हैं। बहुत नींद आ रही थी एंड मेरे को मस्त नींद आया, अच्छे से सो ली मैं। एंड यहाँ पर 8-10 बजने तक ट्रेन छूट जाएगी हमारी। यहाँ पर अगर आ रहे हो तो यहाँ से चित्तौड़गढ़ की जो फोर्ट है वो बहुत फेमस है, वो देखना मत भूलना। शायद मैं अगली बार जब राजस्थान थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके घूमने आऊँगी तब ये सब चीज़ें अच्छे से कवर करूँगी। मेरे को राजस्थान बहुत अच्छे से घूमना है क्योंकि उदयपुर ने मेरा दिल जीत लिया है, तो ये सब चीज़ें मैं बड़ी अच्छे से कवर करूँगी। बाकी आप लोगों को तो दिखाई दिया है रिवर्स वगैरह सब कुछ। ट्रेन के अंदर चलते हैं, थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ फिर से, क्योंकि मेरे को अभी भी नींद ही आ रही है। मेरे से अभी भी सही से चला नहीं जा रहा है, मुँह देख लो मेरा अभी फूल गया है नींद से उठने के बाद। चित्तौड़गढ़ से और एक कप चाय की लिया ताकि मैंने नींद थोड़ी सी ज़्यादा खुल जाए, मेरे को अभी भी नींद ही आ रही है, चाय पी लेते हैं। शॉपिंग कर लेते हैं इसलिए मैं बोल रही थी राजस्थान तो मेरे को एक और बनाना है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके आना है ताकि अच्छे से पूरा राजस्थान मैं घूम सकूं, क्योंकि उदयपुर तो मेरे को बहुत पसंद आया, जयपुर जा रही हूँ वहाँ पर भी बहुत थोड़ी सी ही टाइम है। देखते हैं नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर ये सब प्लेसेस कवर करेंगे। ये रही पोहा, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्ट करके देखते हैं कितना अच्छा है। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा फिर बताते हैं कि राजस्थानी पोहा का टेस्ट मुझे कैसा लगा। टेस्ट बहुत मस्त बना है, फ्लेवर्स बहुत अच्छे से आ रहे हैं। पोहा मेरे को इंदौर से पसंद आना स्टार्ट हुआ है, इंदौर में पहली बार मैं बाहर गई थी पोहा ट्राई की थी। एंड जो राजस्थानी पोहा है इसमें वो लेमन की जो किक है
वो आ रही है, स्वाद काफ़ी अच्छा है, सजेशन इन लोगों का अच्छा था, मस्त है, मज़ा आ गया, ब्रेकफास्ट राजस्थानी टाइप वहाँ करके दिल खुश हो गया। किशनगढ़ जो स्टेशन था वो आया है, एंड इससे पहले 11:10 के अराउंड अजमेर जंक्शन क्रॉस हुआ है, एंड मेरा हेल्थ कुछ सही नहीं लग रहा था तो इसलिए मैं बाहर नहीं गई, उठी नहीं, मैं एक्चुअली सो रही थी क्योंकि बहुत नींद तो आ रहा था, नींद से भी ज़्यादा था कि तबीयत कुछ सही नहीं लग रहा था, तो मेरे को लगा कि चलो सो जाते, थोड़ा सा एनर्जी बचनी चाहिए ना, जयपुर घूमना भी है, बाद में तो थोड़ा सा एनर्जी कोशिश कर रहे कि हो जाए सही से, एटलीस्ट घूम पाए, एक तो है बहुत कम घंटे जयपुर में, तो मेरे को वो वेस्ट नहीं करना, मेरे को सही से घूमना है। किशनगढ़ में बस 2 मिनट का होटल और देखते रहते आप लोगों से बातें करते रहते, किशनगढ़ स्टेशन भी छूट गया, तो यही बस ये जर्नी में सोने का हो रहा है, इसीलिए मेरे को सुबह वाली ट्रेन पसंद नहीं है, पता है मैं जाती नहीं हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह वाली ट्रेन में बुक ही ना करूँ क्योंकि मन नहीं करता भाई उठ के जाने का, अगर 6 वाली ट्रेन है तो 5 बजे निकलो, 5 पे निकलना है तो 4 बजे उठो, बहुत बहुत गंदी आलस लगता है, जाने का 1% भी मन नहीं करता, तो मैं अपनी फुल कोशिश करती हूँ कि मैं ना जाऊँ, कोई भी बहाना बनाऊँ, बस वो वाली ट्रेन ना करूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वाले में करना था क्योंकि जयपुर में थोड़ा बहुत घंटा मेरे को बचाना था तो करना पड़ा। अभी हम लोग फूलेरा जंक्शन आ पहुँचे हैं, यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा धूप है, मतलब हद से ज़्यादा धूप है, एंड इस तरफ देख सकते हो कि डबल स्टैक कंटेनर रखा हुआ है, एंड ये जो स्टेशन है वो मेटल गेज टाइम की सबसे बड़ी जंक्शन हुआ करती थी, पीछे देखो पीछे भी लिखा गया है फूलेरा जंक्शन एंड चेंज हेयर ऑफ सांभर लाइन रिंगस जयपुर एंड अजमेर, देख सकते हो बोर्ड पे इतना बड़ा बड़ा करके लिखा गया है, पीछे डबल स्टैक कंटेनर्स खड़ी हुई है, एंड इधर है हमारी ट्रेन, एंड यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा, मेरे को लगा कि नहीं ये वाली स्टेशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, जाके कवर करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इतना सारा इम्पोर्टेंस है ट्रेन की, यहाँ पर ट्रेन की हॉल भी है, मैं ठीक से देख भी नहीं पा रही, इतना ज़्यादा धूप हो रही है, लेकिन इम्पोर्टेंस है तो कवर तो करना पड़ेगा आप लोगों के लिए, एटलीस्ट आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है ये वाली स्टेशन, तो मैंने बोला कि नहीं भाई जाना पड़ेगा, चलना चाहिए, धूप बहुत ज़्यादा कड़क हो रही है, मेरी आँखों में चुभ रहा है, ट्रेन के अंदर चलते हैं, यहाँ पर ज़्यादा देर मैं बाहर खड़ी नहीं हो सकती, मैं ज़िंदा बॉयल हो जाऊँगी यहाँ पर। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत स्नैक्स आइटम चाहिए होगी तो ये आप लोगों को यहीं पे मिल जाएगी, देख सकते हो बहुत सारे कर्ट वगैरह खड़े हुए हैं, पानी स्नैक्स कुछ अलग से ख़रीदने हो वो सब तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी, एंड हमारी ट्रेन अभी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई है, एंड टाइम अभी 12:30 बज रहा है, 12:35 हो रही है टू बी प्रिसाइज, एंड यहाँ पर आके मैंने ना ये पहली बार देखी, ये जो डबल स्टैक कंटेनर्स हैं दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट टाइम, ऐसे मैंने देखी है, मैंने पहले कभी नहीं देखी,
एंड ये देखो लिखा गया है सब कुछ यहाँ पर। स्टेशन वैसे खाली है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, उस तरफ एक्चुअली शेड है तो वहाँ पर भीड़ है, यहाँ पर बहुत कड़क सी धूप हो रही है तो यहाँ पर उतना ज़्यादा लोग नहीं है। ट्रेन के अंदर चलते हैं, नहीं तो मैं यहीं पे ऐसे ही मर जाऊँगी। भाई बाहर बहुत तेज़ धूप है, बहुत तेज़, एक सेकंड से ज़्यादा रुका नहीं जा रहा है बाहर। उदयपुर में इतना बढ़िया वेदर था, इतना ज़्यादा अच्छा वेदर चल रहा था, बारिश हो रही थी, ठंड से हवा चल रही थी, और यहाँ पर आके लग रहा है सीधा एकदम बर्नर के ऊपर किसी को बिठा दिया गया है, इतना ज़्यादा कड़क धूप है। मैं ट्रेन के अंदर आ गई हूँ, उसके बाद ही मैं ठीक से देखकर बात नहीं कर पा रही कैमरे की तरफ, क्योंकि इतना ज़्यादा लू बह रही है, बहुत गंदा वाला धूप है बाहर, कोई भी बाहर नहीं रुक सकता। आप लोगों को दिख रही है नेट वन, वो घाटू सांग शिखर चुरू रूट से आ रही है वो लाइन, वापस जाएगी। एंड ये है जनरल कंपार्टमेंट, देख सकते हो कि अगली गाड़ी जाने की जो सवारी है वो पूरा पैक्ड अप हो चुका है। जनरल कंपार्टमेंट तो कंपार्टमेंट में बस खड़े होने के लिए भी स्पेस नहीं है। एंड हम लोग अभी जयपुर स्टेशन से बाहर की ओर जा रहे हैं, यहाँ से बाहर निकलेंगे फिर होटल जाएंगे, होटल से फिर हम लोग आगे की जो जर्नी होगी वो तय करेंगे, कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है, कहाँ घूमना है वो सब। अभी हम लोग जयपुर पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पर ट्रेन हमारी एकदम सही टाइम पे, राइट टाइम पे पहुंचा दिया है। बल्कि पहले आप लोगों को बोल रहे थे कि कितना ज़्यादा धूप है कि दिखा तक नहीं जा रहा है, यहाँ पर देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है, बारिश काफ़ी तेज़ की हो रही है। एंड लाइक मेरा नसीब शायद कुछ ज़्यादा ही अच्छा है कि उदयपुर में भी मेरे को बारिश मिल गया, मानसून पैलेस मेरे को जाने को मिल गया, एंड अभी जयपुर आ जाते हैं, जयपुर में भी काफ़ी ज़ोर की बारिश हो रही है, वेदर बहुत अच्छा बन गया है, क्लाउडी वेदर बना हुआ है, ठंडी ठंडी वेदर, ठंडी हवा चल रही है, विच आई डिडंट एक्सपेक्ट एट ऑल, क्योंकि उससे पहले ही बहुत कड़ी धूप हो रही थी, जान निकल रहा था। अब देखो, देख सकते हो, खुद ही देख लो, इतना बढ़िया वेदर बन रहा है, घूमने में भी मज़ा आएगा। वैसे तो मेरे पास बस 12 घंटे हैं जयपुर घूमने के लिए, लेकिन मेरे को लग रहा है कि वो 12 घंटे बहुत अच्छे से गुजरने वाली है,
क्योंकि इतना अच्छा वेदर बन गया है, मेरे को डर लग रहा था उससे पहले कि कैसे घूमेंगे क्या करेंगे, इतना धूप है, इतना कड़क धूप है। नाउ आई एम रियली हैप्पी। इस ट्रेन जर्नी को यहीं पे एंड करते हैं, वैसे चलते हैं जयपुर सिटी के अंदर, वहाँ से देखते हैं कैसे क्या कहाँ घूम सकते हैं, आप लोगों को तो अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, नए हो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल टू गेट अपडेट ऑन मोर सच वीडियोज़, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे।